अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम की एक सिंपल सी रेसिपी। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं 1/2 लीटर ऑफ मिल्क, या आप 2 कप मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क में बॉईल आने तक का हम वेट करेंगे। इसमें जब 1-2 बॉईल आ जाएंगे, हमारे मिल्क में बॉईल आने लग गया था, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर्ड मिल्क। पाउडर्ड मिल्क की क्वान्टिटी जो हम ले रहे हैं, वहाँ 1 छोटी कटोरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर ग्राम्स की बात करें तो आप 100 ग्राम इसमें पाउडर्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। पाउडर्ड मिल्क हम बेसिकली अपनी आइसक्रीम की थिकनेस के लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी बने फ्रीज होने के बाद। उसको थोड़ा सा इसको स्टर कर लेंगे अपने हीटेड मिल्क में, ताकि कोई लम्स ना रह जाए। इसको ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। फिर थोड़ा सा स्वर्ल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मेल्ट इन होने देंगे अपने मिल्क के साथ। हमारा मिल्क हीट हो रहा है, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। उसमें हमने ऐड किया है थोड़ा सा वाटर और उसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। बेसिकली आपको इसको डिसॉल्व करना है वाटर में। और जो हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था, वो हमने 2 स्पून लिया था, जिस स्पून की मदद से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, उसी के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से 2 स्पून हमने लिया है। अब ये यहाँ पे मिक्स हो गया है, अब इसको ऐड कर देते हैं मिल्क। आप चाहें तो फ्लेवर्ड वनीला जो एसेंस होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये उनके लिए जिनके पास कम इंग्रेडिएंट्स हो और झटपट से उनको आइसक्रीम बनानी हो अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो यूजुअली हम कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट देता है। जब पूरी आइसक्रीम हमारी बन के तैयार होती है तो बहुत ही जायकेदार लगती है। ये देख सकते हैं, एकदम थिक होने लग गई है इसकी कंसिस्टेंसी। आपको फिर इसमें डाल देने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसको चला लेने के बाद। ये कंसिस्टेंसी देख लीजिए आप, थिक है। फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्रेटेड कैश्यूज और आमंड्स। नटी सी हमारी आइसक्रीम लगी। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो। सिंस ये हमारी वनीला उसकी है, तो इसमें यही चीज़ें जाएंगी। अगर आप चॉकलेट पाउडर से बना रहे हैं तो उसमें आप चॉकलेट चिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। आपको इसको अच्छे से चला चला के इतना थिक कर लेना, ताकि कोई भी लम्स की इसमें गुंजाइश ना रह जाए। इसकी थिकनेस ही मैटर करेगी आपकी आइसक्रीम की जो कंसिस्टेंसी होगी। ज़्यादा फ्लोई नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं अपने जितने इन्ग्रीडियंट्स हमने मिक्स करें, उसकी वजह से कितनी थिक कंसिस्टेंसी इसकी आ रही है। हमारी आइसक्रीम जो है वो इस स्टेज पे समझ लीजिए ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब इसका हम कूल डाउन होने का वेट करेंगे, तब तक के लिए इसी यूटेंसिल में रहेगा ये। उसके बाद हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फ्रीज करेंगे, वो भी स्टेप हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए इसको हम ठंडा होने देते हैं। कूल डाउन हो जाने के बाद अब हम इसको एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और इसको हम लोग फ्रीज होने रख देंगे ओवरनाइट, या आप जितने भी घंटे इसको रखना चाहते हैं। जब तक आपका ये अच्छे से फ्रीज हो जाए, तब तक के लिए इसको फ्रीज कर दीजिएगा। और फ्रीज हो जाने के बाद आपकी आइसक्रीम जो है वो बन के बिल्कुल तैयार होगी, और आप उसको सर्व कर सकते हैं। आराम से खाइए। सो ये देखिए, हमारी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज हो चुकी है, और अब हम इसको आपको सर्व करके दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी आइसक्रीम प्रिपरेशन की रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरा तरीका आसान लगा होगा। और आप ये आइसक्रीम बनाइए अपने घर पे ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर। मुलाकात होती है एक न्यू रेसिपी के साथ अगली वीडियो में।